स्वामी विद सैयद सलमान एंड कविता। देखिए सुबह 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आप तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यानी राशियों के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि होली किस तरह से आप खेल सकते हैं, और हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सीमा गुप्ता जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आशुतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है और होली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि होली का जो त्यौहार है ना, वो एक विश्वास का त्यौहार है कि जो प्रहलाद ने अपने इष्ट देव यानी विष्णु के ऊपर दिखाया था और आग में बैठकर भी उसको कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी कि आज के दिन आपका जितना भी विश्वास है आपके काम को लेके, आपके प्यार को लेके, आप जिस चीज़ के ऊपर भी विश्वास रखते हैं ना, आज रख के जरूर होली का त्यौहार मनाइए। और मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे खुद इतना विश्वास है कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो सक्सेस ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर दिल आपका साफ हो तो आप होली का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है कि वो आप कितना इन्वॉल्व होते हैं होली में और सेफ होली खेलिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो खुशी है वो बरकरार रहे। और इसीलिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एस्ट्रो होली। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी होली खेलने का एक फैशन सा बढ़ता जा रहा है। ये परंपरा है हमारे देश में, लगातार लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी की जो बात होती है सीमा जी, उसको आम आदमी को किस तरह से समझना चाहिए, कि क्या आप कहेंगी कि उनकी जो राशि है, जैसे मेरी राशि सिंह राशि है, आपकी राशि कौन सी है? मेरी राशि स्कॉर्पियन है। तो आपको कौन सा रंग सूट करेगा ये बताइए। मुझे जो है वो येलो कलर, रेड कलर सूट करेगा, और देखिए आज मैंने रेड कलर पहना हुआ भी है, क्योंकि जो रंग होते हैं वो हमारे जीवन में इसके लिए महत्व रखते हैं आशुतोष जी, क्योंकि जो 7 कलर होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, तो अगर हम अपने फेवरेट कलर जो हमारी राशि को सूट करते हैं, अगर हम उनके हिसाब से होली खेलते हैं ना, तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, हमारा मन खुश रहता है। जैसे कि आज मैंने रेड कलर पहना और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो अगर आपको अपनी खुशी बहुत ज़्यादा व्यक्त करनी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके राशि के हिसाब से जरूर होली खेलनी चाहिए, और आप बहुत सारा जो बोलते हैं ना, मन जो आपका रहेगा बहुत खुश रहेगा। बिल्कुल, तो खुशी का जो इजहार होता है लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। रंग भी कहीं ना कहीं से एक भाषा का प्रतीक हो जाती है होली के दिन में। लेकिन सबसे अहम है सीमा जी, कि बाकी जो लोग अगर आपसे कुछ पूछना चाहें, होली का जो महत्व है उसको क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को एक बार फिर से बताने की ज़रूरत है? क्योंकि होलिका दहन का मतलब होता है बुराई का प्रतीक, यानी बुराई का अंत, बुराई का अंत। और क्योंकि होलिका जलती है यानी प्रहलाद बचता है, यानी सत्य की जीत होती है हमेशा। तो आज की जो तारीख में होली की जो परंपरा है उसको आपने काफ़ी बदला हुआ स्वरूप देखा, हाईटेक होली का ज़माना है। इस बार मुंबई की मेयर ने कहा है कि एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलेगा, आपको सूखे रंगों से खेलना चाहिए। तो इन सारी स्थितियों को देखती हैं तो क्या कहना चाहेंगी मुंबई के लोगों को आप? आशुतोष जी, मैंने जैसे कहा कि होली जो है वो कलर या पानी पर डिपेंड नहीं करता है, आपकी खुशी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि हम रंगों से होली खेल रहे हैं, पानी से होली खेल रहे हैं, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम मुझे लगता है कि सूखे रंग से भी आप होली खेल सकते हैं, और उतना ही आपका जो मन है वो बोलते ना, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। बिल्कुल, तो आप हमें फोन कर सकते हैं अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सीमा गुप्ता जी से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी राशि के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं 0224039555 पर, और अपनी सारी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सीमा गुप्ता जी हमारे साथ बनी बनी हैं। सीमा जी, आज की तारीख में जो खान पान होता है उसका भी देखिए, हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है, अन्न जैसा अन्न वैसा मन ये कहा जाता है। तो होली के दौरान जो भी पाक काफ़ी भारी भारी आइटम बनता है, दही बड़े हो, पुआ हो,
या जो भी आइटम होता है आप ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगी, उसमें एक कहीं ना कहीं से एक ठंडाई भी मिला दी जाती है, तो पूरा जो मिश्रण होता है उसको लेकर मन जो है बिल्कुल मदमस्त हो जाता है, क्या कहेंगे आप? आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि खाना बहुत हैवी रहता है, स्वीट्स रहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अच्छा लगता है, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे वो ठंडाई हो, चाहे वो आपका खुद का फूड हो, तो आपको जो पसंद हो वो आप बनाएं, वो खाएं। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वही मैं कहूँगी कि वो होता है आपका विश्वास, आपका दृढ़ निश्चय कि आपको, क्योंकि फेस्टिवल जो होते हैं वो हमको हमेशा ये याद दिलाते हैं कि हमारी जो डेली यानी रूटीन की जो ज़िंदगी है हमें उनसे थोड़ा सा अलग हटकर करना है, और अलग हटकर करने के लिए हमें अपने जो भी मतलब रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, उनके साथ में थोड़ा समय हमें स्पेंड करना होता है, ताकि वो समय जब हम स्पेंड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आशुतोष जी की थोड़ा सा जो माहौल होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। बाकी जो मुहूर्त वगैरह का जो होता है कि क्या रंग लगाने का भी मुहूर्त होता है? आशुतोष जी, रंग लगाने का मुहूर्त होता है, जरूर होता है, लेकिन क्या होता है ना कि सब लोग जो होते हैं ना उस टाइम पे रंग नहीं लगा सकते। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि आज जैसे कि होली जलेगी, ठीक है, कल होता है धुलेटी जिसे बोलते हैं, हम लोग होली खेलते हैं, तो आशुतोष जी क्या होता है कि जब हम किसी के घर पे मिलने के लिए जाते हैं तो एक घर पे नहीं जाते हैं, बहुत सारे घर पे जाते हैं, तो अगर हम मुहूर्त पे चलेंगे तो हमें लगता है कि होली जो है ये साल लोग नहीं मना पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारी, बोलते ना कि आज के दिन लोग गले मिलके अपनी दुश्मनी को भुला देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आज के दिन आपको ये खुद में विश्वास रखना चाहिए कि जो सामने वाला है वो आपको धोखा ना दे, और धोखा ना दे इसके लिए आपको खुद भी अपने मन से सारे गिले शिरके निकाल देने चाहिए। मन कई बार भटक जाता है सीमा जी, मन चंचल होता है, जिस तरह से आपको पता ही है इंसान का मन है, कई बार होली में खासकर जिन लोगों को हमने देखा है ठंडाई ज़्यादा चढ़ गई या फिर उन्होंने ड्रिंक्स ले ली तो मन विचलित हो जाता है, उनको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, अगर आप कह रहे कि बहुत सारा ड्रिंक करने के लिए कर लेने के बाद मन विचलित हो जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रीन टी पिए, और या फिर आप जो नॉर्मल नॉर्मल टी होती है उसमें लेमन डाल के होली में कोई ग्रीन टी पिएगा, आप फोन कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, 0224039555 पे आप फोन कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल है सीमा जी से पूछ सकते हैं। तो सीमा जी, असंभव लगता है मुझे कि मैं तो कम से कम चाय नहीं पीऊंगा होली के दिन। आशुतोष जी, आपको अपनी सेहत इंपॉर्टेंट है या आज का दिन? मस्ती इंपॉर्टेंट है, होली का मतलब ही होता है मजा मस्ती। तो अच्छा, आपको लगता है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ज्यादा मस्ती आती है? ऐसा नहीं कह रहा मैं, ड्रिंक नहीं करती आशुतोष जी, मुझे फिर भी बहुत मजा आता है त्योहार में। आप एस्ट्रोलॉजर है ना? ऐसा नहीं है, हम लोग आम आदमी हैं। डिपेंड इसलिए नहीं होता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप उसको चाय कॉफी से सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर आप उसको ड्रिंक से सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में आऊंगा तो क्या खिलाइएगा? आप मेरे घर आएंगे ना तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी और रंग लगाऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मिठाई और रंगों का जो मिश्रण होता है उसका मतलब ही होता है प्यार, स्नेह, श्रद्धा, और होली को अगर आप सेफ ढंग से खेलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे सवाल जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से प्यार की भाषा का छत मिल जाता है उनको, और उसमें जाहिर सी बात है जब घर के ऊपर प्यार का छत हो, प्यार की छत हो, तो उसके अंदर रहने का माहौल ही एसी की तरह, जिस तरह से ठंडी मिलती है उस तरह से हमें गुदगुदाहट मिलेगी एक दूसरे की, प्यार की, और जिस तरह से बहुत सारे रिश्ते होते हैं, रिश्तों को कई बार हम देखते हैं कि बदलने लगते हैं मौसम के हिसाब से, या फिर किसी ने ईर्ष्या कर ली किसी से, कोई किसी से दूर चला जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव होता है उसका, क्या उसका एक कारण वो भी होता है सीमा जी? जी आशुतोष जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय अगर मैं कहूँ तो मेष, वृश्चिक, धनु और जो सिंह राशि वाले उनका थोड़ा समय डिस्टर्ब चल रहा है। अगर वो चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी, मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक राशि वालों का समय थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। जुड़ गए हमारे साथ मुंबई सेंट्रल से, मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद सर जी। अपना सवाल कीजिए सीमा गुप्ता जी से, क्या सवाल है? मैं पूछना चाहूंगा मैडम, ये सबसे पहले तो होली की बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। और मैडम मैं ये बोलना चाहूंगा, मुझे ये बता दीजिए कि मेरी होली कैसी रहने वाली है? आपकी राशि कौन सी है मोहन जी? सिंह राशि है। जैसे अभी मैंने कहा कि सिंह राशि वालों का थोड़ा समय जो है वो जून से डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, तो आज के दिन आप क्या करें कि जब आप आग के पास जाएंगे, अग्नि के पास जाएंगे, तब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा काला तिल,
काला तिल लेके जाना है और वो आग में समर्पित करना है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुविधाएं हैं, वो दूर हो जाए, ये कामना करनी, क्योंकि कहते हैं कि अग्नि जो होती है वो सबसे पवित्र होती है। आपके थोड़ा सा जो काम डिस्टर्ब चल रहा है, आपका जो थोड़ा सा मन डिस्टर्ब चल रहा है, तो आने वाले समय यानी जुलाई से आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सीमा जी, एक सवाल और ये है मेरा कि मैं होली तो खेलना चाहता हूँ, लेकिन रंगों को जब भी लगाता हूँ अक्सर मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इस बार क्या क्या कुछ आप मुझे बता सकती हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल मनमोहन जी, अगर आप रंगों से आपका एलर्जी है, तो आप सबसे पहले हर्बल जो रंग होते हैं उनका इस्तेमाल करिए, और आप बॉडी के ऊपर जो ऑयल होता है, अगर वो ऑलिव ऑयल आप अप्लाई कर लेंगे, और अप्लाई करने के बाद अगर आप रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एलर्जी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आप भी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हमारा फोन लाइन ओपन है, और फोन करें और सीमा गुप्ता से आप सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि होली के दिन आप अगर अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए। 0224039555 पे आप हमें फोन कर सकते हैं, और मुंबई से अगर कर सकते हैं तो आपको 0022 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल से करेंगे तो आप 0022 लगा सकते हैं। सीमा जी, जब कई बार हम विचलित हो जाते हैं होली में और अपने आप पर कहीं ना कहीं से नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, कई कारण होते हैं, भावनात्मक भी हो सकते हैं, ऐसे में इंसान को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए ताकि घर का माहौल जो है वो बना रहे एकदम खुशहाल? आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसको अपनी इमोशंस के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर आज के दिन वो कंट्रोल नहीं रख सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आज के दिन मैं उपाय बताऊंगी कि जो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य है उसको करना चाहिए कि एक उसको नारियल लेना चाहिए, नारियल जितने भी घर के सदस्य हैं उनके ऊपर से उतार कर वो जो अग्नि होती है उसमें डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा आशुतोष जी कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल के आग में चली जाएगी, और सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि आपको कभी भी अपनी समस्या और कभी भी जो भी मुसीबतें होती हैं उनसे कभी हार नहीं माननी चाहिए, उनके हमेशा डटकर आगे खड़े रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो पीछे हमें हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, हमारा जो घर का जो बड़ा बंदा है या डैडी है या दादाजी हैं वो हमें सपोर्ट करें, जब वो इतने स्ट्रांग है तो हमें भी स्ट्रांग रहना चाहिए। बिल्कुल, स्ट्रांग रहेंगे तो घर का पूरा माहौल व्यवस्थित रहेगा, नियंत्रित रहेगा। अब चल सीमा जी, हम चाहेंगे कि राशियों के हिसाब से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस राशि के पुरुष को या स्त्री को कौन सा रंग पसंद करना चाहिए या खेलना चाहिए। जी बिल्कुल आशुतोष जी, कि मेष और जो वृश्चिक राशि है वो राशि है, मेष राशि है वो अग्नि राशि है, और जो वृश्चिक राशि है वो जल राशि है, ठीक है। बट मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, तो ऐसे लोगों को पीले रंग के से होली खेलनी चाहिए। येलो कलर, सबसे पहले येलो कलर थोड़ा सा अप्लाई कर लें जिसको भी लगाना है, उसके बाद आपको जितने भी कलर पसंद आप उनके साथ में होली खेल सकते हैं। बिल्कुल, अभी एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं भाईंदर से, रीना कुमारी। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मीना जी बोल रहे हैं। हाँ जी, मीना जी बोल रही हूँ। मीना जी, स्वागत है आपका एस्ट्रो होली में। सीमा गुप्ता जी है, पूछिए अपना सवाल। जी मैं सीमा जी से पूछना चाहूंगी कि मैं कौन से रंग से जो है होली खेलूं, कौन सा रंग मुझे सूट करेगा जी? आपकी राशि कौन सी है मीना जी? मीना जी की सिंह राशि है, राइट मीना जी? सिंह राशि जी, बिल्कुल 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 जी। आपको सबसे पहले जो है वो ऑरेंज कलर से होली खेलनी चाहिए। आपके जितने भी घर में जो परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनको सबसे पहले आप ऑरेंज कलर लगाइए, फिर उसके बाद आपको जो भी कलर यूज करना है वो आप यूज कर सकती हैं। अच्छा, थैंक यू। और कोई सवाल है? जी नहीं, बिल्कुल बस यही सवाल था। चलिए, आपको होली की शुभकामनाएं मीना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीमा जी, वाकई रंगों का बहुत ज्यादा असर होता है, जिस तरह से म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं तो कलर थेरेपी भी इसके जरिए आप कह सकती हैं। जी, बाकी राशियों के बारे में बताइए आप, अभी मेष की बात हो गई। जी हाँ, मेष राशि की बात हो गई, तो अभी जो बचती है राशि है वो वृषभ राशि और तुला राशि, जो दोनों शुक्र की राशि है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ऐसी राशि को सबसे पहले ना जो लगाना चाहिए वो कलर ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहिए। तो ग्रीन कलर लगाने के बाद आपको जो भी आपके जो कलर पसंद है आप उन्हें वो लगा सकती है। तो पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रो के हिसाब से अगर कलर की भाषा समझने की कोशिश आप करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, ऐसा सीमा जी का कहना है। अब बात करेंगे अगली राशि की।
जी बिल्कुल, अभी जो राशि बचती है वो मिथुन और कन्या राशि है। मिथुन और कन्या राशि वालों को सबसे पहले ब्लू कलर अप्लाई करना चाहिए। ब्लू कलर से सबसे पहले आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको पहले आप ब्लू कलर लगाइए, उसके बाद आपको जो भी कलर से आपको होली खेलनी है वो खेल सकती है। अच्छा, मतलब शुरुआत में ब्लू कलर, बाकी बाद में कोई भी कलर चल सकता है। स्टार्टिंग जो करनी है वो हमारे फेवरेबल कलर से करनी है, ताकि आने वाला जो होली के बाद का जो समय है वो अच्छा निकले। चलिए, तो हम भी दुआ करेंगे कि सबकी होली मजेदार गुजरे, स्वस्थ गुजरे और रंगीन गुजरे। अब बात अगले राशि की कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अभी जो अगली राशि है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि को अगर कर्क राशि वाले अगर रेड कलर से खेलते हैं ना, तो रेड कलर से उनका जो आने वाला जो समय है ना बहुत अच्छा गुजरेगा। तो कई बार समय अच्छा गुजरने के लिए भी आप मुहूर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज होली की हम बात कर रहे हैं। एस्ट्रो होली में मकसद ही हमारा कि अगर आप कहीं ना कहीं से कंफ्यूज हैं या फिर आपको लाइफ लाइन लेने की ज़रूरत है, तो शिवा गुप्ता जी आपके साथ हैं। आप पूछ सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से आपको कौन सा रंग पहले सूट करेगा। सीमा जी, जी मनीषा सिंह हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकल जी। मनीषा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। पूछिए अपना सवाल। अस्तर जी, मेरा पूछना ये था कि मेरी राशि कन्या है, तो मुझे कौन से रंग से खेलना चाहिए? कन्या राशि जी, कन्या राशि है आपकी, तो आपको सबसे पहले जो है वो ब्लू कलर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ब्लू कलर से खेलेंगे तो आपका जो आने वाला समय बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकती है। जी बिल्कुल, बाद में वो कोई भी कलर जो आपको जिससे भी खेलना है वो उसे खेल सकती है। चलिए, और कोई सवाल है आपका? जी नहीं, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। सीमा जी, बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कई बार, लेकिन जिनको बिल्कुल पता ही नहीं होता है, मान लीजिए कोई राशि नहीं पता हो या फिर कैसे कौन सा रंग खेलें, तो उनको क्या कहेंगे आप जिनको अपनी राशि नहीं पता है? आशुतोष जी, जिनको अपनी राशि नहीं पता, तो उनको प्यार के रंग से होली खेलनी चाहिए। जो भी आपको कलर पसंद हो, आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए कि आने वाला जो समय है या आपके ऊपर जो भी विपत्ति आने वाली है, जो भी संकट आने वाला है, वो इस कलर के द्वारा हवा में उड़ जाए। बिल्कुल, समस्याओं को हवा में उड़ाने की बात सीमा गुप्ता जी कर रही हैं। आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, फोन 02-403-9955 पे आप अपने सवालों को यहाँ पर डाल सकते हैं और रंगीन जवाब आपको सीमा जी देंगी। क्योंकि आज हम बात ही कर रहे हैं, होली का मौसम है, और एक बार फिर से आपको बता दें कि एस्ट्रो होली का मकसद हमारा यही है कि अगर आपको अपनी राशि के साथ जानना चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा रंग हमें खेलना चाहिए, वही बताने आई हैं सीमा गुप्ता जी। सीमा जी, अब उन लोगों को क्या कहेंगी जो रंग से चिढ़ते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं होली में बहुत नफरत कर रहे हैं, रंग नहीं चाहिए मेरे को। जी जी जी, तो उनको उनको किस तरह के क्या टिप्स देंगे आप? आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको रंग से एलर्जी है या रंग उन्हें पसंद नहीं है, तो उनको थोड़ा सा तो रंग अपने परिवार वालों के साथ में जरूर खेलना चाहिए। क्योंकि जो रंगों का त्यौहार होता है, ये विश्वास का होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कलरफुल जो रंग होते हैं ना, उनको देखे हमें कितना मतलब एनर्जी मिलती है, हम कितने प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आज के दिन, आज जो कल के दिन, थोड़ा सा अपनी रंग की एलर्जी बचा के रखनी चाहिए और उनको खेलना जरूर चाहिए। चलिए, तो प्रेमी प्रेमिकाओं की अब बात हो जाए थोड़ी, कि प्रेमी प्रेमिकाओं का भी। एक कॉलर हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार जी। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार, नमस्कार। हाँ, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ, तो हमारी कुंभ राशि है, तो कौन से रंग से होली खेलनी चाहिए? कुंभ राशि है आपकी? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा जी, कुंभ राशि है, पूछने की कौन से रंग से शुरुआत करनी चाहिए? जी आपको स्काई ब्लू कलर से सबसे पहले होली खेलनी चाहिए। अगर आप स्काई ब्लू से सबसे पहले होली खेलती हैं, उसके बाद आप अपने पसंदीदा जो कलर होंगे उनके साथ होली खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो साल है, आने वाला जो समय आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और उसके बाद वर्षा नाम है, तो वर्षा तो धुली जाएगी, रंग धुली जाएंगे। और कोई सवाल है वर्षा जी आपका? नहीं नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप सीमा गुप्ता से फ़ोन कर जान सकते हैं। आप अपनी राशि के हिसाब से फ़ोन कीजिए और इनसे सवाल कीजिए कि वाकई आपको कौन सा रंग सूट करेगा। हम आपको नंबर फ्लैश करके दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। और सीमा गुप्ता जो मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, 02-403-9955 पे आप फ़ोन करके कोई भी सवाल कर सकते हैं होली से जुड़ा हुआ। सीमा जी, बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं जिनको बहुत कुछ कहते हैं, किसी भी मजहब जाति से ऊपर उठ के इंजॉय करते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पता नहीं चलता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है।
कई बार तो ये समझ नहीं आता है कि किसी औरत को कि ये जो सामने मर्द लोग खड़े हैं ये मेरा वाले हैं कि तेरे वाले हैं, तो स्थितियाँ काफी अजीबोगरीब हो जाती है। एक्चुअली आशुतोष जी, क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी जो फॉरेन लोग हैं वो लोग भी, मतलब जो फॉरेन कंट्री से काफी लोग आने लगे, तो उन लोगों को बहुत मजा आता है क्योंकि ये बहुत स्पेशल जो होता है वो फेस्टिवल होता है, क्योंकि इसमें जो कलर होते हैं ना, जब हम एक दूसरे को बहुत सारे कलर लगाते हैं और उनको देखते हैं तो बहुत हम लोगों को भी हंसी आती है वो चीज देख के। बट सबसे ज्यादा एंजॉयबल ये पीरियड होता है क्योंकि जब हमको जो कलर चाहिए वो हम उसके ऊपर लगाते हैं, और लगाने के बाद जब हम अपना जो त्योहार होता है उसके हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो सबसे अच्छा मोमेंट वो होता है। बिल्कुल। अब चलते चलते अब चाहिए कि बाकी जो राशियां हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बता दें कि उनको किस तरह का रंग चुनाव करना चाहिए, किस तरह का रंग चुनना चाहिए। जी आशुतोष जी, सिंह राशि वालों को सबसे पहले ना ऑरेंज कलर से होली खेलनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो आप अपने पसंदीदा रंग के साथ में होली खेल सकते हैं। जी, तो सिंह वालों को ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर का जो होता है, संतरे कलर का, उससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं रंगों की। उसके बाद चाहे आप कोई भी कलर कर ले, लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ भी। मुलुंड से एक हमारे दर्शक जुड़े हैं, कैलाश चंद्र जी। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। लगता है संपर्क टूट गया है, फिर हम जुड़। तो राशियों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, अगर हमने कोई गलत रंग खेल लिया तो क्या कुछ लफड़ा भी होगा क्या? नहीं आशुतोष जी, अगर हमने कोई गलत रंग से होली खेल भी ली, क्योंकि वो चीज़ हमको नहीं पता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इन फेवरेबल कलर के साथ में होली खेलेंगे तो आपकी जाने वाली जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, क्योंकि ये जो कलर होते हैं हमारे जीवन में बहुत असर करते हैं, क्योंकि हर राशि का अपना एक फेवरेबल कलर होता है। अगर हम जैसे कि आशुतोष जी, एक दोस्त के साथ में बैठेगा तो दोस्ती की ही बात करेगा, लेकिन अगर कोई कलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुलुंड से, कैलाश जी। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, अपना सवाल कीजिए। होली की शुभकामना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ नमस्कार, होली की शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आप अपने टीवी का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं देख रहा हूँ बड़े ध्यान से। थैंक यू। आप थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, बहुत अच्छी तरह सुनाई पड़ेगी आपको आवाज, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें। टीवी के साथ बैठे हुए मेरी टीवी का साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। मेरी मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले हैं, उनको बताइए। जी मिथुन राशि है अगर आपकी वाइफ की, तो उनको सबसे पहले ब्लू कलर से खेलने चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि का जो फेवरेबल कलर होता है वो ब्लू होता है। तो उसके बाद अगर वो कोई भी रंग से होली खेलेंगी तो जो उनका जो आने वाला पीरियड है बहुत अच्छा होगा। हाँ पूछिए सवाल आप। समझ में आ रहा है, कुछ पूछ रही है? नहीं मुझे एक बार फिर से सवाल कीजिए। होली जलाने का समय क्या है? अच्छा, होली जलाने का मुहूर्त शाम का जो होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी, होली जलाने का जो मुहूर्त निकला हुआ है मुंबई में वो 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे का है। उस पीरियड में अगर आप वो होलिका दहन में जाके भाग लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए कैलाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं अपना अपना सवाल कर रहे हैं। अब सिंह राशि की बात हो गई, सिंह राशि की बात बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल आशुतोष जी, अभी जो राशि है वो धनु और मीन राशि है। धनु और मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। अगर हम अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें येलो कलर से होली खेलनी चाहिए, और उसके बाद आपको जो भी रंग आपको पसंद हो आप उसके साथ में होली खेल सकते हैं। एक भरत गोसाई जुड़ गए हमारे दर्शक। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? पूछिए अपना सवाल। कहत रहनी का होली जोन बाटे कौन सा कलर से खेली, हमार राशि कुंभ बाटे। कुंभ जी, कुंभ राशि बारह। और जी हम बनारस के रहे वाला वासी। बनारस के बारह ना, इनका राशि कुंभ बारह हुआ, बताए कि कहा इनका खेले, कौन रंग पसंद करना चाहिए। पंडिताइन जी की प्रणाम। जी बिल्कुल, आपको भी मेरा प्रणाम सर। आपको जो होली खेलनी है वो आपको स्काई ब्लू कलर से खेलनी है, जो आसमानी कलर होता है अगर आप उसके साथ में होली खेलेंगे, और उसके बाद आपको जो भी आपका पसंदीदा कलर होगा अगर आप उसके साथ में होली खेलेंगे तो बहुत अच्छा आपका समय जाएगा।
जी हमको रउआ सबके शो बहुत पसंद आयल बा, हमें बहुत मजा आयल बा इस शो देख के। हमें लगा था कि हर साल होली में ऐसा शो हो चाहिए लेमन न्यूज के, हमने जरूर ढेर सारे शुभकामनाएं। राहुल सजेशन बा हम बहुत बढ़िया से समझ ले बानी, और हम वादा करत बानी कि हर साल होली में रउआ के ऐसा ऐसा शो दिखाए कि रउआ खुश हो जाए। बहुत बहुत ठीक बानी, आपके हम हर शो देखत बानी, हमें बहुत जमा ला आपके शो, लगा था जैसे हम उत्तर भारत में पहुँच गए। हम लेमन में ना ही, हम मुंबई में ना ही, उत्तर भारत में बानी है। के प्यार बा आपका, जो प्यार और स्नेह मिलता है भरत जी, उसी से हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है जब हमें प्यार मिलता है, हमें होली को एंजॉय करने का जो मौका मिलता है बहुत ही खुश नसीब कर देता है सबको, क्योंकि आपके पास प्यार है। सीमा जी आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को बताया, अपनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और होली की एक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जाहिर सी बात है कि होली में रंगों का त्यौहार होता है और हर कोई जानना चाहता है, और सीमा गुप्ता जी ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि जो भी त्यौहार हो उसको लेकर जो भी सवाल आपके मन में हो वो आप हमें पूछ सकते हैं, हम सीमा जी को हाजिर करेंगे। और फिलहाल एक बार चलते चलते आप तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं लेमन परिवार की तरफ से। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।